तो अभी हम पढ़ेंगे पैराथायरॉयड ग्लैंड, जिसको हम उप अवटुका ग्रंथि भी बोलते हैं। जैसे थायरॉयड ग्लैंड को अवटुका ग्रंथि बोलते थे, तो पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है वो थायरॉयड ग्लैंड के ऊपर प्रेजेंट होता है, इसलिए हम इसको बोलेंगे उप अवटुका ग्रंथि। ये दो पेयर्स ऑफ ग्लैंड होता है और ये प्रेजेंट होता है थायरॉयड ग्लैंड के पीछे के साइड, पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ थायरॉयड ग्लैंड। सो ये सुपीरियर भी प्रेजेंट होगा थायरॉयड के और इन्फीरियर भी प्रेजेंट होगा। ये दो पेयर्स ऑफ ग्लैंड होता है, ये फॉल्स कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट होता है थायरॉयड ग्लैंड के। इसके जो हार्मोन्स है वो है पैराथार्मोन, जो कि कैल्शियम और फॉस्फोरस मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं अलॉन्ग विथ थायरोकैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन थायरॉयड ग्लैंड का हार्मोन है जो कैल्शियम को ब्लड से लेके बोन में डिपॉजिट करता है, तो पैराथार्मोन उसका एंटेगोनिस्ट होता है। तो पैराथार्मोन क्या करेगा, जो कैल्शियम है वो बोन से लेके ब्लड में लेके जाएगा। सो जो पैराथार्मोन है वो हाइपर कैल्सिमिक होता है और कैल्सिटोनिन है ये हाइपो कैल्सिमिक होता है। डायमेंशन इसके क्या है, ये ओवलिन शेप्ड है और डायमेंशन है, लेंथ इसकी 6 है, ब्रेथ इसकी ब्रॉड ये 4 है और हाइट इसकी 2 mm है। इसका जो वेट है वो 50 mg है। सो पोजीशन के बेसिस पे दो टाइप के पैराथायरॉइड ग्लैंड है, सुपीरियर पैराथायरॉइड और इन्फीरियर पैराथायरॉइड। सुपीरियर पैराथायरॉइड कॉन्स्टेंटली इन पोजीशन होता है और ये मिडल ऑफ पोस्टीरियर बॉर्डर में प्रेजेंट होता है। इन्फीरियर थायरॉइड विद इन बिहाइंड और थायरॉइड कैप्सूल में होता है। आर्टेरियल सप्लाई है इन्फीरियर थायरॉइड आर्टरी, नर्व सप्लाई है सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन, और क्लिनिकल एनाटॉमी में हम पढ़ेंगे हाइपोपैराथायरॉइडिज्म और हाइपर पैराथायरॉइडिज्म। हाइपोपैराथायरॉइडिज्म में क्या होगा, पीटीएच कम हो गया जिसकी वजह से ब्लड में कैल्शियम कम हो गया, मतलब पैराथार्मोन आया ही नहीं तो कैल्शियम बोन से लेके ब्लड में आया ही नहीं, तो जिसकी वजह से क्या हो गया, ब्लड में कैल्शियम कम हो गया, तो हाइपोकैल्शिमिया हो गया। सो कैल्शियम ब्लड में आया ही नहीं, मतलब बॉडी के बोन में ही रह गया, तो फिर जिसकी वजह से हमको टेटनी होगी, क्योंकि कैल्शियम की वजह से क्या हो जाता है, रैपिड मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, सो जिसकी वजह से हमको टेटनी मिल सकती है। हाइपर पैराथायरॉइडिज्म में क्या हो जाता है कि पैराथार्मोन ज़्यादा हो जाता है, जिसमें कैल्शियम लेवल ब्लड में बढ़ जाता है, सो बोन में जो कैल्शियम है बहुत ही कम हो जाता है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा। ज़्यादा बोन में कैल्शियम होने की वजह से क्या हो गया, टेटनी हो गया, रैपिड मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन हो गया, एकदम स्पैस्मोडिक कॉन्ट्रैक्शन हो गया, और कम कैल्शियम की वजह से क्या हो गया, बोन बहुत वीक हो गया, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस हो गया। सो ये था पैराथायरॉइड ग्लैंड।